हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स पीएससी नर्सिंग एग्जाम में आपका अगर मिड कोर्स के बीच में अगर आप लीव करते हो अपनी सीट और आपके डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आपके एडमिशन के बाद वहाँ पे जमा हो जाते हैं, लाइक आपके रियल वाले, ठीक है, जैसे आपके 10th 12th की मार्कशीट वगैरह, पासिंग सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपका TC तो हर जगह से मतलब अलग अलग हो सकती है, बट आपके जो ये 10th 12th के सर्टिफिकेट हैं ये आपके वहाँ पे रियल जमा होंगे। तो उसके बाद अगर बात करते हैं कि अगर आप कोर्स को बीच ड्यूरेशन में छोड़ देते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना होगा या फिर वहाँ पे पेनल्टी कितनी लगती है। पेनल्टी मतलब आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में तो ज़्यादा ही लगती है, लाइक वो जितनी आपकी फ़ीस होती है उतनी ही बोलते हैं कि आप कंप्लीट फ़ीस देके जाओगे, उसके बाद ही आपका जो डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे वो आपको वापस मिलेंगे। बट एम्स पीएससी नर्सिंग में ऐसा नहीं है, आपका प्रॉपर मतलब जो प्रोस्पेक्टस आता है उसमें मेंशन होता है कि आपको कितना पे करना पड़ेगा अगर आप मिड ड्यूरेशन में कोर्स को लीव करते हो। तो अभी तो आपको पता है कि जो पैरामेडिकल है और बीएससी नर्सिंग है ये सब आपके बीएससी के ही अंदर आते हैं, बीएससी कोर्सेज के अंदर। तो एम्स की एक जगह पे अगर आपने देखा होगा मार्क्स जहाँ पे मेंशन है वहाँ पे ही आपको मेंशन है कि अगर आप बीच ड्यूरेशन में लीव करते हो, सबसे पहले कट ऑफ मार्क्स तो देख लो एडमिशन के लिए कि बीएससी नर्सिंग में 50% से ऊपर यूआर को चाहिए, ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी को 45 और एससी एसटी को 40%। उससे पहले जो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, दोज कैंडिडेट्स हु जॉइंड एनी बीएससी कोर्सेज हिज हर ओरिजिनल सर्टिफिकेट विल बी रिटेन्ड एंड द सेम विल नॉट बी रिटर्न टू द कैंडिडेट बिफोर कंप्लीटेशन ऑफ द कोर्स। क्या बोला जा रहा है कि आपको जो सर्टिफिकेट हैं आपके वो जमा कर दिए जाएंगे, कोर्स कंप्लीटेशन से पहले वो वापस नहीं मिल सकते। इफ़ अ कैंडिडेट हु जॉइन एनी बीएससी ऑनर्स या पैरामेडिकल बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स लीव द सेट कोर्स इन बिटवीन शैल बी लाइबल टू पे सम ऑफ 5,000। तो यहाँ पे लिखा है कि 5,000 का उसे पेनल्टी समझ लो देना पड़ेगा, और बाई वे ऑफ कंपनसेशन लॉस इंक्यूर्ड बाई द एम्स ड्यू टू सच मिड स्ट्रीम डिपार्चर। तो वही आपका जो लॉस, आपकी वजह से जो एम्स को लॉस हुआ बस उसको फुलफिल करने के लिए वो आपसे 5,000 की पेनल्टी लेंगे और एक्स्ट्रा कुछ नहीं। बट अगर आपका मतलब आपने सुना होगा कि 1,00,000 की लेते हैं बीएससी नर्सिंग वालों से, तो बट ऐसा कुछ नहीं, अगर प्रोस्पेक्टस में 5,000 मेंशन है तो आपका अलग से प्रोस्पेक्टस में वो मेंशन कर सकते थे। सो अगर किसी को और डाउट रह जाता है तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके अपने डाउट पूछ सकता है या कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है। और अगर किसी को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है चैप्टर वाइज तब भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। अगर किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए या फिर अभी स्ट्रेस और एंजाइटी हो रही है आपको, तो वो आप ये सोचो कि आपके पास ये 29 और 28 दिन है, इन 28-29 दिनों में बस आपको लगातार पढ़ना ही पढ़ना है उस, और वो भी ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, सिर्फ 12th पे अभी ज़्यादा ध्यान दो और 11th 12th की बायो अच्छे से कर लो, केमिस्ट्री में फिजिकल इनऑर्गेनिक को अच्छे से कर लो, ऑर्गेनिक अगर आपने कर रखी है तभी रिवाइज़ करना, फिजिक्स में 12th पे ज़्यादा ध्यान दो, केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे KTG थर्मल इन पे ध्यान दो, ठीक है।